नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैक्टर के वीडियोस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आप सभी की बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि हम ट्रैक्टर का डीजल एवरेज के वीडियोस क्यों नहीं बनाते, तो आज हम पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे घर के ही ट्रैक्टर स्वराज 742 एफी 2018 मॉडल है ये ट्रैक्टर। और लगभग आपको मैं बता दूँ, ये जो ट्रैक्टर है वो देखिए 2012 घंटे चल चुका है, यानी कि लगभग 2000 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। 18 मॉडल है, लास्ट का 4 से 5 साल हो चुके हैं इस ट्रैक्टर को। और आप देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है टायर की, वो लगभग मेरे हिसाब से 85% to 90% ख़त्म हो चुके हैं। 10 से 15% इसके टायर बचे हुए हैं, इस तरह की कंडीशन है। और आगे के टायर भी आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका डीजल एवरेज निकालेंगे, और डीजल एवरेज निकालने वाले हैं हम इस कल्टीवेटर के साथ में। 7 पंजी वाला कल्टीवेटर है, आप देख सकते हैं 4 पीछे की ओर है और 3 जो है सामने की ओर है। तो यानी कि 7 पंजी वाला कल्टीवेटर है, हमारे मध्य प्रदेश में इसी तरह का चलता है। और ये जो खेत है आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन देख सकते हैं, सोयाबीन के बाद में हमने इसको अभी तक बखरा नहीं है, हमने इसमें कल्टीवेटर नहीं चलाया है। तो इस तरह से हम इसमें कल्टीवेटर चलाने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डीजल एवरेज निकालने वाले हैं। तो किसान भाई, हम डीजल एवरेज किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो टैंक लिया है, इस टैंक को हमने कनेक्शन दिया है यहाँ से हमारे फिल्टर में, ताकि डीजल ले सके ट्रैक्टर। और ये जो टंकी का नोज़ल है निकाल दिया है हमने, आप देख सकते हैं। और ये जो रिटर्न पाइप्स हमने लगा दी हैं, पहली जो रिटर्न पाइप है ये है हमारे पंप की, और दूसरी रिटर्न पाइप है हमारे पिस्टन की वाली। तो दोनों रिटर्न पाइप हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर डीजल डालेंगे और डीजल एवरेज निकालेंगे कि 1 लीटर डीजल के अंदर हमारा जो 742 एफी ट्रैक्टर है वो कितने मिनट चलता है और कितना जो है कल्टीवेट करता है। तो चलिए हम नाप के आपको दिखाते हैं। तो आप डालिए इसके अंदर डीजल, डीजल हम 1 लीटर को जो हमने नाप लिया है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं हम। 1 लीटर इसके अंदर हम डालने वाले हैं। डाल फुल भरिए, फुल बिल्कुल 1 लीटर डीजल इसके अंदर पूरा फुल डालेंगे हम। और डालिए, बस ओके। तो ये जो डीजल है हमारा, 1 लीटर डीजल हो चुका है इसके अंदर। तो हम इस 1 लीटर डीजल को हमारे जो है इस टैंक के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम टैंक खोल लेते हैं। टैंक से पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर कोई भी डीजल अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरा खाली है टैंक हमारा। तो आप इसके अंदर हम 1 लीटर डीजल डालेंगे। तो डालिए आप 1 लीटर डीजल, आराम से डालिए भाई साहब, कृपा करके। 1 लीटर डीजल हम इसके अंदर डाल रहे हैं, बढ़िया, पूरा का पूरा 1 लीटर डीजल इसके अंदर हम डालने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हमने 1 लीटर डीजल इसके अंदर डाल दिया है, ये जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 1 लीटर डीजल इसके अंदर हमने डाल दिया है। और अब हमारे इस ट्रैक्टर को हम लो के तीसरे गियर में चलाएंगे और लगभग 1400 RPM पर इसको चलाने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंदर बने रहे और आपको हम बताएंगे कि कितने मिनट और कितना जो कल्टीवेट ये करेगा इस 1 लीटर डीजल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अब हमने हमारा ट्रैक्टर जो है चलाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस खेत की कंडीशन, इस तरह की खेत की कंडीशन है। सोयाबीन के बाद हमने इसको बखरा नहीं है। तो हमारा जो डीजल है वो यहाँ पर टैंक है इस तरह से। तो अब हम इसके अंदर लो का तीसरा गियर लगाएंगे और हमारे जो ट्रैक्टर को हम चलाएंगे, ये लो और ये तीसरा गियर हम लगाने वाले हैं। और इसको 1400 RPM पर देखिए, अब लो का तीसरा गियर लगा चुका है वो, लगभग 1400 RPM पर हम इसको चलाने वाले हैं। और ये लीवर की आप कंडीशन देख सकते हैं, इस तरह का लीवर है ये।
किसान भाइयों, आप गहराई को देख सकते हैं, लगभग 5 से 5.5 इंच की जो गहराई है वो हमारा जो कल्टीवेटर ले रहा है इस समय, तो अच्छी खासी गहराई यहाँ पर जुताई हो रही है आप देख सकते हैं। किसान भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हमने इस ट्रैक्टर को लगभग 20 मिनट चला के देखा है, तो 1 लीटर के अंदर 20 मिनट या हमारा जो 742 एफ ट्रैक्टर है वो चला है, तो लगभग अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, इसका एवरेज अगर निकालें, तो लगभग 3 लीटर प्रति घंटे का जो इसका एवरेज है वो निकल कर आया है सामने। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो हमने जिस तरह से डीजल एवरेज निकाला, अगर हमसे कोई गलती हुई हो या फिर कोई अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला किस ट्रैक्टर का एवरेज देखना चाहते हैं ये भी बताएं। तो इसका जो एवरेज है वो फाइनल निकला है हेवी लो के तीसरे गियर में 1400 RPM पर 3 लीटर प्रति घंटा का।